मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में मोदी सरकार के ऐसे कोई फेल्योर पॉइंट नहीं रहे जिन्हें प्रतिपक्ष पकड़ नहीं पाया? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि माहौल ही कुछ अलग बन गया था देश का। देश में जो परिस्थिति पुलवामा हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से मोदी जी ने कार्रवाई करके अपने आप को ये बताने का प्रयास कर दिया कि मैं ही कुछ कर सकता हूं, और आप देखिएगा जो कार्रवाई एयर स्ट्राइक करके राजस्थान के चूरू में आए थे, आपको बताऊं तो मोदी जी ने यहाँ आके के कहा था कि देखिएगा कि आपकी मुस्कान कह रही है कि आप मेरे पक्ष में हो, तो माहौल बनाने में वो कामयाब रहे और निश्चित रूप से ये कहने में भी रहे कि आने वाले समय में मैं मजबूत सरकार दे पाऊंगा। क्योंकि गठबंधन हुआ, लेकिन गठबंधन ये विश्वास नहीं दिला पाया देश को कि हम किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे और मजबूत सरकार किस प्रकार, क्योंकि आने वाले समय में मध्यवर्ती चुनाव की तरफ अगर देश चला जाए, इस सोच में पब्लिक जानती थी कि स्थायी सरकार मिलेगी तो ही हमारे देश का विकास जिस स्थिति से चल रहा है वो तेजी से हो पाएगा। और मोदी मैजिक को सामने दिखा, पहले जिस जो माहौल था उससे भी अच्छा माहौल मोदी जी ने देश को दिया, और वो अपने आधार पर, किसी भी कैंडिडेट की जीत नहीं हुई है यहाँ पर, मोदी की ही जीत हुई है। सब जगह जाकर आप देखिएगा, जयपुर में भी जब मोदी जी आए थे तो वो कहते थे यहाँ पर कि मैं, आप वोट डालोगे तो मोदी के खाते में वोट जाएगा, ना तो राजवर्धन सिंह के लिए कह रहे थे, ना वो जसकौर मीणा के लिए कह रहे थे, ना बोहरा जी के लिए कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आप वोट डालोगे मोदी जी के खाते में जाएगा और देश को एक मजबूत और जिस प्रकार से, एक सवाल होगा मेरा यहाँ पे आपसे, ये बात सही है जिसपे विश्लेषकों ने उंगलियां भी उठाई थी कि नरेंद्र मोदी मैं करके अहंकार करके और वोट मांग रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को उन्होंने ये देखा कि मेरा जो स्टाइल है वो जनता के बीच चल रहा है, विश्लेषक कुछ कहें प्रतिपक्ष क्या कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, या कैंडिडेट्स भी अगर ये सोचे कि मोदी खुद के नाम पे वोट मांग रहे हैं हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ये मोदी का जादू चला, जनता ने इसे भी अप्रिशिएट किया, बेशक एक गलत तरीका लोकतंत्र में हो सकता है लेकिन जनता ने इसे भी अप्रिशिएट किया कि सिर्फ मोदी, वो दूसरी बात सुनना ही नहीं चाह रहे थे। देखिएगा क्योंकि कुछ काम ऐसे हो गए उसके कारण उनका जादू मैजिक हर लोगों के दिमाग में बैठ गया कि हमारे आने वाले समय में पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए, क्योंकि सरकार ने, पिछली सरकार ने जो कार्रवाई करने में ढीली रही थी और जिस समय पर कार्रवाई करने की जो स्थिति मोदी ने बनाई उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देश ने मोदी को फिर कहा कि एक बार मोदी सरकार फिर से, तो मोदी सरकार फिर से आ गई है। अब बीजेपी को भी इंडिविजुअल स्तर पर भी सरकार बनाने की स्थिति बन गई है और उसके बाद वो एनडीए को साथ रखेंगे क्योंकि वो 46 दल। अब राजस्थान का सौभाग्य भी ये रहा कि 24 पे बीजेपी जीती और गठबंधन पे एक जीत रहा है, तो अब गठबंधन का जो बीजेपी ने राजस्थान में करके अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मोदी का ही एक, मोदी और अमित शाह का जो था खेल वो सामने नजर आया। इस बार वसुंधरा जी जिस ताकत से पहले विधानसभा के चुनाव में उतरी थी वो लोकसभा के चुनाव में मेरे को देखने को नहीं मिली, तो साफ कह दिया कि मोदी और अमित शाह ही जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और आप देखिएगा जो भी समझौते हुए वो दिल्ली में होते थे और यहाँ पर होने के बावजूद भी वसुंधरा जी आज तो बीजेपी के दफ्तर में आकर के मोदी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया, लेकिन पिछले जब समझौता जब हुआ वो नहीं आई बीजेपी ऑफिस में, क्योंकि ये सब स्पष्ट हो रहा था कि अब उनको पहले जैसी ताकत थी वो नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा कि विधानसभा के चुनाव में 120 सीट तक तो वसुंधरा जी तरीके से लड़ पाई थी, 80 सीटों के लिए अमित शाह को बैठ करके यहाँ सारा हिसाब किताब करना पड़ा था, इसलिए विधानसभा के चुनाव में 5.5% से पीछे रह गए और बाहर हो गए थे। अगर यही मोदी ने जो कहा था कि आप हारने वाले विधायकों को सबको टिकट मत दीजिएगा तो स्थिति नहीं बनती, तो आज वही वाली बात है कि देखिएगा कि उन्होंने आज तो मोदी मैजिक के कारण कोई भी खड़ा हुआ जीत गया। एक छोटा सा सवाल और होगा आपसे यहाँ पे, मैं दूसरे अतिथि उनके पास जाऊंगा, सवाल यह है कि इंटरनल डिफरेंसेस की बात आप जिसका जिक्र कर रहे हैं बीजेपी में भी, एक भीतरी घात की आशंका कई बार ये बात कही जाती है कि भीतरी घात होगा, लेकिन भीतरी घात लोकल लीडरशिप तमाम उन दावों को, उन पेचीदगियों को खारिज करते हुए, क्योंकि वोट मतदाता जिताता है, पार्टी के कार्यकर्ता मुट्ठी भर होते हैं, पार्टी के नेता और चुटकी भर होते हैं, लेकिन मतदाता एक बल्क में होता है, वो उसने नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट किया, कहा कि नहीं मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है मोदी को वोट देंगे, तो तमाम जो परिस्थितियां थी और डिफरेंसेस वगैरह सब कुछ ये दरकिनार कर देंगे, रिजल्ट यही कहता है कि सिर्फ एक मोदी का जादू चला, उनको किसी की परवाह नहीं थी लोकल लीडरशिप की,
वही कारण है ना कि जब आप देखेगा कि बहुत ज्यादा सब जगह देखा गया कि डिमांड किसकी थी, मोदी जी की थी, नरेंद्र अमित शाह की उससे भी ज्यादा मोदी की डिमांड थी। इसी कारण से राजस्थान में उन्होंने 8 तो आपके सामने आम सभाएं की, उससे पहले चुनाव से पहले भी वो आम सभा करके चले गए थे, तो उससे लग रहा था कि राजस्थान पे फोकस की बजाय बंगाल में फोकस बहुत ज्यादा किया, जिसका परिणाम उनको देखने को मिल रहा 15 सीटों में अगर सैनबारी बंगाल में कर ली तो आप देखिएगा बाकी जगह तो कुछ कहने की स्थिति नहीं बनती है। तो ये सारी बातें कहने से लग रहा है कि मोदी जी पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर के उभर के सामने आए हैं। अब लोकतंत्र में पार्टी गौण हो गई है, पार्टी विशेष का व्यक्ति जो कि था कि जिसने जिस प्रकार से मोदी ने 2014 में भाजपा को सत्ता में पुरजोर तरीके से ला करके दिया कि आपने देखिएगा सत्ता में बीजेपी आने के बावजूद भी अपने गठबंधन को साथ रखा, और आज की स्थिति भी यही है कि बीजेपी इंडिपेंडेंट रूप से सरकार बना सकती है लेकिन अपने गठबंधन को साथ रखे रही है। तो ये बहुत ही अलग तरह की चीज है। एक बार लौटूंगा मैं आरसी चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, यहां कुछ बातें हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिला पूरे इलेक्शन में? क्योंकि देखिए, ये मुद्दे की मैं बात इस वजह से कर रहा हूं कि 2014 के दरमियान जब लोकसभा चुनाव थे 13 और 14 में, 13 में 5 राज्यों के विधानसभा और फिर 14 में लोकसभा के चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी की जीत का जो एक तरीका था वो यूपीए 1 और 2 के जो विफलता के जो कारण रहे, करप्शन का एक कारण रहा, उन सबको बुनाने की कोशिश की। या तो बिल्कुल अभी ऐसा रहा कि पूरे 5 साल में नरेंद्र मोदी ने कोई लूज पोल नहीं छोड़ी, या ये कहें कि कोई मुद्दा ही नहीं दिया तो हम एक रस्म अदायगी कर रहे थे, अगर मुद्दा दिया तो फिर बुना क्यों नहीं पाए? वजह क्या? अगर कांग्रेस इस बात से सोचेगी कि मुद्दों का हमने आधार तो बनाया लेकिन हम वो कर नहीं पाए जो एक होना चाहिए राजनीति में, कोई ऐसी वजह है कि जो आप बुना नहीं पाए उससे? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जब 2014 का जब लोकसभा चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव के दौरान चाहे यूपी की पुलिसों को लेकर उन्होंने चाहे आक्रमण हो या तमाम किसी दूसरी चीज के मुद्दे हो, चाहे इस लोगों को एक नए सपन के एक अच्छे दिनों की सौगात के जो मुद्दे हों वो रहे, लेकिन 2019 के चुनाव के अंदर जो बेरोजगारी है, चाहे किसान है, चाहे महंगाई है, चाहे भ्रष्टाचार है, इन तमाम मुद्दों पे मोदी जी ने कभी चर्चा नहीं की, और भ्रष्टाचार का तो मैनिफेस्टो में भी उन्होंने कहीं पे जिक्र नहीं किया। लेकिन आज ये जो देश की जनता ने इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर जिस प्रकार से अपनी तमाम चाहे विषम परिस्थितियां हो, चाहे नक्सलवादियों की चाहे धमकियां हो, चाहे तमाम और किसी तरह की परिस्थितियां हो, उन सबको नकारने के बाद में जिस प्रकार से जो जनादेश दिया, आज ये पर्व में उनकी जो आहुति है वो आहुति किसी न किसी उम्मीद को लेके है। उस उम्मीद को लेके आज इस पर्व की आहुति के अंदर मैं नहीं चाहता कि जनता के जनादेश के बाद में आज जरूरी ये है कि जो उम्मीद पे हमने दिए, जहां पे आगे जो लीड कर रही है, शायद उस पर वो खरी उतर पाए। राष्ट्रवाद का मुद्दा एक जो मैं ये मानता हूं कि बिना किसी युद्ध के इस मुल्क के अंदर, बिना किसी युद्ध के अगर सैनिकों की शहादत हुई है तो वो इस रेजिम के अंदर सबसे ज्यादा हुई। लेकिन जिस प्रकार से हमने कहा, जो बीजेपी के साथ भी कह रहे थे कि हमने बदला लिया, ये प्रतिशोध की नहीं, ताकतवर व्यक्ति की तरफ लोगों को नजर उठाने में भी दम लगता है। हम उम्मीद करते हैं कि बात के एक भी सैनिक की शहादत ना हो, इस मुल्क के कोई युवा जो रोजगार की जो उम्मीद करता है उसे बेसहारा और लाचार और बेबस ना हो, किसान जो दम तोड़ रहा है उसकी भी सुनवाई हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो सशक्त बनना एक अहंकार के लिए नहीं, सशक्त जिम्मेदारी के लिए हो। राष्ट्रवाद इस मुल्क के 132 करोड़ आबादी के रूह में बसा हुआ है। अगर राष्ट्र की अस्मिता को कहीं पे भी कोई खतरा लगता है या कोई भी जो दुश्मन मुल्क का अगर उसको चुनौती देता है तो निश्चित रूप से ये पूरा राष्ट्र एक जगह खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी का मैंने ट्वीट देखा था, ऑफिशियल ट्वीट, उस ऑफिशियल ट्वीट पे लिखा था कि जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की तो सिर्फ 2 जगह जश्न था, उसमें से एक उन्होंने राहुल गांधी जी के ऑफिस का भी जिक्र किया। ये जो चीज है वो इस मुल्क के लोगों को जो बांटने की चीज है, मुझे नहीं लगता कि उस चीज की जिक्र होना चाहिए, क्योंकि जब 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन की जब अलग जग रही थी, उस समय बहुत से नेता थे जो अंग्रेजों के साथ में थे, लेकिन इस प्रकार के अल्फाजों का कभी कोई प्रयोग नहीं किया। ये एक राष्ट्रवाद की जो नई परिभाषा जो गढ़ने का प्रयोग है वो आने वाले समय में पता चलेगा। कांग्रेस के लिए भी ये निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि जैसे नतीजे जो आज रुझान अगर हम चर्चा करें, और मैं ये कहूं कि अभी हमारी सरकार बन सकती है तो शायद ये भी कहना ठीक नहीं होगा, जो भी जो नतीजे आते हैं उसके बाद में आत्म मंथन करना हर किसी राजनीतिक दल का होता है, और राजनीतिक दल का यह भी दायित्व बनता है कि अगर हमें विपक्ष की भूमिका मिलती है तो हम उस विपक्षी भूमिका को लेके मुद्दे मुखर करें। हमने जनता के मुद्दे उठाए, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे हमने गरीब को एक उम्मीद का न्याय का मुद्दा हो, इस तमाम चुनाव में आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर जब भी अमित शाह जी और चाहे मोदी जी ने जब रैली की हो
उस रैली के अंदर उन्होंने कहीं भी सिलेंडर का जिक्र नहीं किया, उन्होंने उसके अंदर कहीं शौचालय का जिक्र नहीं किया, कहीं भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया। या राजस्थान के अंदर ईस्टर कैनाल प्रोजेक्ट की बात करते थे, अमरूदा का बाग अपने ऑफिस के सबसे नजदीक है उसका जिक्र किया था कि भाई 13 जिलों को इस प्रकार से सिंचित होंगे, वो जिक्र नहीं रहा। राष्ट्रवाद है वो एक भावना है और उस भावना के अंदर इस देश के लोगों ने आहुति दी है और हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र की तरफ कोई भी आंख उठाने से कतराएगा। हम सैनिकों की शहादत पे बदला नहीं, हमारा सैनिक एक भी शहादत ना दे इस तरफ बढ़े, ये 21वीं सदी का भारत। जब एक भी सैनिक की शहादत नहीं देगा तभी मैं मान पाऊंगा कि हम सशक्त की तरफ बढ़ रहे हैं। जी चलिए, विष्णु कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। यहां बड़ी एक कांग्रेस के लिए, देखिए जब सारी सीटें हारते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए बड़ा ये जो टाइम ऐसा है कि सिर्फ एक आत्ममंथन के लिए कुछ नहीं बचता है। और मीडिया में लगातार जो चीजें आ रही थी कि दो ध्रुव बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर इस वक्त, दो पावर पॉइंट कहीं पे भी होते हैं तो वहां दिक्कत की बात होती है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों साथ में प्रचार कर रहे थे, कहा भी जा रहा था, लेकिन आपस में जिस तरह की स्थितियां हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो खाई भर पा रही थी। बयान कुछ इसी और इंगित करते हैं, चाहे सुभाष नहरिया बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है, वो उनके लिए बड़ी मुश्किल की बात होती है। भंवर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के और साथ में एक कद्दावर नेता हैं, वो चुनाव हार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ी चौंकाने वाली बात होगी। और कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी रिजल्ट सामने आ चुका है, बाबा बालकनाथ जीत चुके हैं चुनाव वहां पे, तो ये कांग्रेस के लिए ऐसे घड़ी कही जा सकती है कि जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से मेहनत की होगी, लेकिन कमी क्या है कांग्रेस अगर नहीं पहचान पाएगी तो बहुत मुश्किल होगा। हार जीत लोकतंत्र में चलती रहती है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर अपनी कमियों को नहीं पहचाने कोई, किसी भी घटना से हमें सबक लेना चाहिए, ये बुजुर्ग भी कहते हैं और हालात भी कहते हैं। कांग्रेस के सामने इस वक्त सोचने का वक्त है, उसे सबक लेना चाहिए कि क्या आधार रहा कि कुछ दिन पहले ही हम जब सत्ता में आए हैं 90 सीट का झटका देकर के आए हैं, वो विधानसभा चुनाव भी हमें 13 सीट दे रहे हैं लेकिन हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो बड़ा मुझे लगता है कि एक तो चौंकाने वाली बात है। कार्यकर्ताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए, नेताओं को वो गलती अगर कहीं बीच में तो उसे दुरुस्त करना चाहिए। मैं एक बार फिर जाना चाहूंगा विष्णु कुलवाल साहब के पास में। कुलवाल साहब, मुद्दों को आधार बनाया जाता है, प्रतिपक्ष का काम यही रहता है, वो अपने एक्सरसाइज मुद्दों के आधार पर करते हैं, लेकिन यहां कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष के पिछड़ने की वजह मुद्दे बना नहीं पाई, या तो मोदी सरकार के सामने कोई विकल्प ऐसा बचा ही नहीं था, या ऐसा कोई लूज पॉली थी कि जिसे प्रतिपक्ष मुद्दा बनाता, जैसे शंकर गोरा अभी दावा भी कर रहे थे, या फिर प्रतिपक्ष वो झपट नहीं पाई ऐसे मुद्दों को कि वास्तव में जो राजनीति मुद्दा बन सके, कहीं तो कोई कमी रही है जो ये तस्वीर सामने आ रही है। देखिए योगेंद्र जी, अभी इस विषय में कोई बात की जाएगी वो ज्यादा ठीक नहीं रहेगी। सवाल है कि मुद्दे तो इतने थे कि जो सरकार के पास जवाब नहीं है, और प्रधानमंत्री जी ने आज तक उन मुद्दों पे कोई जवाब नहीं दिया। सवाल है कि आज जो विषय है, जहाँ चुनाव के नतीजों का सवाल है, उस विषय को लेकर बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी तो और भी बहुत हमारे पास होते हैं। मुद्देहीन जो चुनाव था, जो इस देश के अंदर एक भी चुनाव, ये चुनाव जो 2019 का है, अगर ये विकास के आधार पर चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत। इन्होंने एक हिंदूवाद, एक राष्ट्रवाद किस आधार पर जो चुनाव लड़ा, उस आधार पर चुनाव जीते। सवाल है कि आज इन सब परसेंटेज को जोड़ लीजिए, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को कम परसेंटेज वोट मिला है, मगर फिर भी सरकार जिसकी बनती है, सरकार जय जयकार उसकी करती है, जनता जय जयकार उसकी करती है। सवाल इस बात का है कि विपक्ष को आज जो यूपी में रिजल्ट आ रहे हैं, पहले तो हम 7 लोग ही तो थे, आज तो हम इनसे 25-26 से पहुंच रहे हैं, तो सवाल है कि ये बात मोदी जी भी जानते हैं कि मैंने किया क्या है, मगर इन्होंने एक जनता की नब्ज को पकड़ लिया और नब्ज को पकड़ के राष्ट्रवाद के नाम से जो चुनाव लड़ा। आज वो जो पाकिस्तान की बात करके जो चुनाव लड़ते थे, मीटिंग में शुरू में वो पाकिस्तान की बात करते थे, तो चुनाव हिंदुस्तान में होते थे, पाकिस्तान में नहीं होते थे। योगेंद्र जी, अभी ये वक्त नहीं है, इस बात का बात करने का समय यह नहीं है, क्योंकि चुनाव जो जीता वो शहंशाह होता है। तो मैं कहता हूं इस बारे में फिर कभी बात कर लेंगे, मगर ये चुनाव देश के हित के, जो गरीबों के लिए चुनाव होना चाहिए वो नहीं हुआ, विकास के नाम से चुनाव होना चाहिए वो नहीं हुआ, किसान के नाम चुनाव होना था वो नहीं हुआ, किसी भी 36 कौम के आदमी को इस चुनाव से कोई संबंध नहीं था, मगर जब राष्ट्रवाद का नाम लिया तो भारतवर्ष के हर नागरिक ने सोचा कि
की जो राष्ट्रवाद की बात करी उस पार्टी को वोट देना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो सुनाया भी क्यों नहीं जाना चाहिए, ये रणनीति का एक हिस्सा था बीजेपी का। सब लोग के चौकर में एक या छोटी सी बात कहना चाहूंगा, देखिए उड़ी हमला, पठानकोट हमला, ये बड़े हमले रहे मोदी सरकार के वक्त। ये कोई कह सकता है कि ये कोई बड़े घटनाक्रम नहीं थे या मोदी सरकार का सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, ये था इसमें कोई डाउट नहीं है। पुलवामा अटैक भी यही था जो सोमाली जवान शहीद हुए, सीआरपीएफ के एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था ये। लेकिन इसी घटना के बाद सर्कल स्ट्राइक करके नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक ही बात कहलवाई, जबकि दावा किया जाता है, बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर से बात कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी 67 से सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। लेकिन देश के यूथ को सिर्फ एक ही बात का एहसास होने दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकता है, और सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई है। ये मोदी साहब भी जानते हैं कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, लेकिन कहा यही गया कि सर्जिकल स्ट्राइक इस देश में दो ही बार हुई है, एक बार पुलवामा अटैक के बाद और एक बार उड़ी हमले के बाद में दो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। एक म्यांमार में हुई जब असम में अटैक करके और चले गए थे, वहां पे जब हमला आर्मी के जवानों ने वहां जाकर के बदला लिया। ये कुछ सर्जिकल स्ट्राइक बताई जाती हैं जिसको नरेंद्र मोदी ने भुनाया कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं, हिंदुस्तान ऐसे हाथों में नहीं है। जबकि आप देखिए, ये आप लोगों को तय करना था, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में सीज फायर के वॉयलेंस पिछले कभी नहीं हुए जितने सीज फायर का उल्लंघन अब हुआ, जवान शहीद पांच साल में जितने 10 साल में यूपीए के टाइम भी नहीं हुए। जिस मुद्रा लोन की बात की जा रही है वो एनपी होने वाला है बहुत सारे लोग, लेकिन आप लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं था। ये 6% पैसा खर्च हुआ स्मार्ट सिटी का, टोक्यो बनाने की बात थी बनारस को, लेकिन उसका काम भी शुरू नहीं हुआ जैसा पैसा खर्च होना चाहिए। ये तमाम जो चीजें थी आप लोगों ने अवसर गंवाए, लेकिन मीडिया अपना एक काम करता है, प्रतिपक्ष के लोगों ने वो विषय नहीं बनाया, केवल कांग्रेस एक बात को पकड़ के बैठी। कोई भी मुद्दा होता है, आंदोलन होता है, उसका एक फेज होता है, आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको आप बना सकते हैं। चौकीदार चोर है, सिर्फ एक बात को पकड़ के रखे, और दूसरे नेता सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि नरेंद्र मोदी को बाहर करिए सत्ता से। बीजेपी इसी को लेकर लड़ती रही कि नरेंद्र मोदी है तो देश की ताकत है, उस बात में सफल हुए। लेकिन आप लोगों ने कभी ये नहीं किया कि जब नरेंद्र मोदी को हटाना है तो हम सब लोगों को एक जाजम में बैठना चाहिए। आप लोगों के अपने निजी स्वार्थ हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाए प्रतिपक्ष के लोग। कुलवाल साहब, आप योगेंद्र जी सही फरमा रहे हैं, मैंने इस सबसे पहले इस बात को आपके सामने मैंने रखा था आज भी कि जनता के विश्वास में हम गठबंधन लोग जो कर रहे थे वो हम लोगों ने अपना विश्वास जनता के सामने बता नहीं सके। सवाल इस बात का था कि जो सरकार की जो वर्तमान में जो सरकार थी उसकी नाकामियां भी बहुत थी, मगर आज जो हिंदुस्तान के जो टीवी चैनल ने जो काम किया वो इस देश के अंदर एक ऐसा काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। जब वो एक पांच साल में 18 दिन तो बताते हैं कि मोदी ने ये किया वो किया, मगर आप जब चुनाव हुए उस समय इस देश की टीवी चैनल ने क्या किया? आज जनता का जो मानस था वो इस जगह लाके रख दिया कि एक तरफ राष्ट्र खड़ा है, एक तरफ विपक्ष खड़ा है। तो जनता ने राष्ट्र को चुना, विपक्ष को नहीं चुना। यही कारण है आज कि हम लोगों की हार का कारण हम उसको जनता को सही समझा नहीं सके और जनता राष्ट्र के मुद्दे पर चली गई। और ये चुनाव जो हुआ है और जो चुनाव के जो रिजल्ट है वो राष्ट्र के रिजल्ट है, वो किसी पार्टी के पक्ष रिजल्ट नहीं है। वो राष्ट्र को बताने में सफल रहे और हम विपक्षी गठबंधन करने में असफल रहे, उसी का कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी जीती है। मुल्ला के ये कहा जा सकता है कि प्रतिपक्ष रणनीति में फेल रहा। हम तो अपनी गलती को तो मान रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, शंकर गोरा जी के पास जाना चाहूंगा। ये अच्छी बात है, मानते रहे। ये लोग तो नहीं मानेंगे, आपको जीत है तो जीत को मानेंगे वो। देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो कहना चाहूंगा कि विपक्ष कुछ मान रहा है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश की जनता देखती है कि कांग्रेस ने क्या किया, ट्रैक रिकॉर्ड भी पार्टियों का देश की जनता देखती है किसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाया,
कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किए, कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ में समझौता किया। आप देखिए आज एक मजबूत देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया, अब आप देखिए चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है, जैसे ही चुनाव आने लगते हैं तो ईवीएम गलत हो जाता है। और विपक्ष ने भी ठगबंधन बनाया था, जो मायावती जी और जो अखिलेश मुलायम सिंह जी कभी एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, इन्होंने आपस में गठबंधन किया। उसके बाद में जो सारे मुद्दे थे जो देश की, सुन लीजिए आप पहले मेरी सुन लीजिए, जो देश की जनता का, जो देश की जनता का मानस था, ये लोगों को विश्वास है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था और जो नरेंद्र मोदी जी के 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं था, भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं था, आतंकवाद का कोई मुद्दा नहीं था, ये सिर्फ झूठी बातें करके आज का युवा भी उसको समझ चुका है और देश की पूरी जनता ने उसको समझा। छोटा सा सवाल है, आप लोग लगातार ये बात कहते हैं कि ये लोग एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, ये गठबंधन के ऊपर मुझे लगता है कि आपको उंगली नहीं उठानी चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब जम्मू कश्मीर में बोले थे कि आतंकवादियों के साथ में शहीद परिवार है, जो आपके महबूबा मुफ्ती मुफ्ती परिवार की जो बात कर रहे थे। आने वाले दिनों में आपने अगर हाथ मिलाया आतंकवादियों के जो पनाह है, जिसके आपने कहा ये बात, और वो राष्ट्रहित था, क्यों राष्ट्रवाद के नाम पे आप लोगों ने महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाया। अभी मायावती और अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव हाथ नहीं मिलाने चाहिए था इनको, क्योंकि तो एक दूसरे को नहीं देख सकते। तो यार आप लोग योगेंद्र जी उस समय देश के प्रधानमंत्री जी ने पहल की थी घाटी के लिए, और जब उनको लगा कि ये लोग नहीं सुधर सकते तो हमने गठबंधन तोड़ा। उसके बाद में आप देखिए जिस प्रकार से घाटी में, जिस प्रकार से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डेवलपमेंट करने का काम किया था, मगर उस समय जब लगा एक पहल, और उससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री ने पहल की, वो पाकिस्तान भी गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बुलाया। एक सवाल मैं श्याम जी का लेना चाहूंगा, श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, कुछ ऐसी चीजें हैं कि चलिए परिणाम तो सामने आ रहे हैं, जो स्थितियां हैं वो रहेंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये जनता का मैंडेट है और जनादेश को सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं कुछ ऐसे जो एक बुनियादी जो सवाल है वो मैं जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी विपक्ष के साथियों से भी पूछा, ऐसे कुछ बिंदु थे, हालांकि विष्णु कुलवाल साहब ने माना है ये कि हम इस मामले में फेल रहे कि हम जनता के रख को पहचान नहीं पाए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो माना जाना चाहिए कि वास्तव में नरेंद्र मोदी मार्केट को समझ गए कि यूथ क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है, उस बात को बुनाने की पूरी कोशिश की। मैंने जैसे 3 चीज बताई आपको, पठानकोट, उड़ी और पुलवामा, ये 3 ऐसे अटक थे जिसमें बहुत बड़ा नुकसान देश का हुआ और ये फेलियर थे मोदी सरकार के। लेकिन इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा बना करके सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए राष्ट्रवाद इस तरह का दिल और दिमाग में बैठा दिया, बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए, रफाल उफाल को लोग सुनना ही नहीं पसंद नहीं कर रहे थे। देखिएगा कि नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक करके जिस प्रकार से पाकिस्तान में हमारा वर्चस्व जमाने की कोशिश की, लेकिन हमारा भाग्य ठीक था क्योंकि पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, वो तो समय रहते हुए ये अभिनंदन जो, और एक हमारा प्लेन गिरा, और क्योंकि वो हम सफल नहीं हो पाया, इसलिए आज मोदी जी का मैजिक पूरे देश में बोला। अगर वही स्थिति पाकिस्तान हमारे ऊपर अगर वो आया था लेकर के, अगर अभिनंदन और एक हमारा जो विमान क्रैश हुआ और वो नहीं होता, ये अगर वापस नहीं जाता तो आज स्थिति वो बलट भी सकती थी, लेकिन भाग्य का धनी है मोदी जी और वो सफल हो गए, इस कारण पूरे देश में वाहवाही प्राप्त हो गई और उन्होंने कहा कि मैं हूं तो देश में कोई भी। चले मैं आऊंगा श्याम जी, मैं एक बार वसुंधरा राजे इस वक्त जो अपना एक पहला बयान, पहला रिएक्शन परिणाम के साथ ही जो दिया है, मैं एक बार वहां जाना चाहूंगा, वसुंधरा राजे क्या कह रही है जरा सुनिए। बीजेपी कांग्रेस को देखो, आपको भी मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है, ये पूरा श्रेय इसका हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है जिन्होंने अपने विकास के कार्यों को बिल्कुल नीचे तक पहुंचाने का काम किया।
और उनकी विजनरी लीडरशिप नहीं होती तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। और साथ में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को के कुशल नेतृत्व को दाद देते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता था कि 5 साल के अंदर उन्होंने की ऐसे ऐसे स्टेट्स में गए वहाँ जहाँ आप लोग सबने ये तय कर लिया था कि सीटें नहीं मिलने वाली हैं। आज वहाँ इतनी सीटें हम लोगों को मिल गई हैं कि आप लोग ही खुद कह रहे हो कि ये कैसे हो गया, ये उनकी मेहनत का। और इन सब लोगों ने अपन शाम तक पहुंचे, शाम को देखते हैं क्या होता है। लास्ट में कांग्रेस ने कोशिश तो बहुत की थी सरकार की, कभी किसान कर्जना की बात है, हमारी जनता ऐसी बातों में नहीं आती। और जनता को भी मालूम है कि आप वादे करते हो ना तो कौन से ऐसे वादे हैं जो आप पूरा कर सकते हैं। उनको ये मालूम था कोई कह दे कि हम ये कर्जा मार आपको 10 दिन के अंदर कर देंगे तो ये तो इम्पॉसिबल है। वो जानते थे, खुद कांग्रेस जानती थी और भारतीय जनता पार्टी जानती थी। इसलिए इन चीजों से मैं नहीं समझती हूँ कि इन झांसों से भारतीय जनता पार्टी का कोई इफेक्ट हुआ। झालावाड़ तो अपना परिवार है, झालावाड़ के लोगों ने अभी तक जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसकी वजह से तो 30 साल से हम लोग जिंदा हैं। और आज भी ये चुनाव मेरा नहीं है, दुष्यंत का नहीं है, ये उन्होंने लड़ा है। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से जिस प्यार के साथ उसका साथ दिया है। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो मैंने बताया आपको, प्रधानमंत्री जी ने नहीं छोड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं छोड़ा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं छोड़ा, हमने एक नहीं छोड़ी सीट। चंद्रशेखर को लेकर के आया गया था यहाँ पर, उनके पास नरेंद्र मोदी आइए तो
कहा जा रहा था कि दोहरी चुनौती चंद्रशेखर के सामने होगी, लेकिन अब चुनौती वैसी नहीं रही है। 25 सीट देकर के मुझे लगता है कि अपना एक दबदबा संगठन में जो होना चाहिए था, जो उंगलियां उठ रही थी, अब उन तमाम दबदबों के जो सवाल थे उनका जवाब चंद्रशेखर ने, उनकी टीम ने, प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया है। क्योंकि रिजल्ट जो होता है उसके बाद में बेशक आप ये कुछ भी कहते रहे, लेकिन जनता का जो जनादेश मिलता है वो निश्चित रूप से उन नेताओं की, उन रणनीतिकार जो हैं, उनकी एक भूमिका यहाँ स्पष्ट होती है। वही भूमिका होती है कि कार्यकर्ता में जान फूंकने की कोशिश करती है और आपको वोट दिलाती है। चलिए हम एक बार वापस हमारे पैनल के पास में चलना चाहेंगे। वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में है, नितिन अग्रवाल कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा मैं भी। तस्वीर बिल्कुल अब साफ है, हम ये बात कहते रहे कि अभी इंतजार करना होगा, रुझान है, कुछ बदलाव भी दिख सकता है, लेकिन दोपहर का एक से ज्यादा बज चुका है। अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा उलटफेर होगा। बीजेपी अपनी दम पे सरकार भी बना रही है, एनडीए ने 2014 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, तो इतना भरोसा मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को भी नहीं था। जब अमित शाह बोला करते थे तो कहते हैं कि करीब हम 300 सीट के आसपास एनडीए की लेके आएंगे और बीजेपी क्लियर मेजोरिटी के साथ एक बार फिर सरकार बनाएगी, लेकिन ये तो पहले लहर थी तो सुनामी की तरह दिख रहा है अभी। जी देखिए, जनता के प्यारे स्नेह के लिए हम जनता का बहुत बहुत आभार, और जिस प्रकार का जनादेश देश ने दिया है मैं समझता हूँ यह मजबूत शासन के लिए है, लोक कल्याणकारी शासन के लिए है और नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व के लिए है। जिस प्रकार से इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास के आधार पर कार्य किया, सभी को साथ लेकर आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी 138 लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन जन को आगे बढ़ाने का कार्य किया, और जिस प्रकार की योजनाएं लेके आए वो धरातल पर भी नजर आई, और हमारी योजनाओं का जिन्होंने लाभ लिया वह हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने और वह जनता के पास पहुंचे और उन्होंने जनता को बताया कि देश को नरेंद्र मोदी जी जैसे नेतृत्व की ही जरूरत है, देश को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ही जरूरत है। और लोगों ने समझा भी कि अगर कोई पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है, कोई पार्टी है जो देश को आगे बढ़ा सकती है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है। तो जो जनादेश मिल रहा है वह उसी का परिणाम है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में और भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी योजनाओं में विश्वास व्यक्त किया। चलिए नितिन अग्रवाल हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। नितिन, ये पूरा जो सामने तस्वीर आ रही है इसमें पहले मैं रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि अब तक जो कांग्रेस कहती आ रही थी कि थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी रुझान है, रुझान ये एग्जिट पोल नहीं है, ये रियल रिजल्ट सामने आ रहा है, तो इसमें कोई ज्यादा वेट करने की मुझे नहीं लगता है कोई आवश्यकता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अब वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी फैसला है, जो भी जनता का जनादेश है वो बिल्कुल सामने है और हम इसको स्वीकारते हैं। जनता का जनादेश जो है वो सिरमाते हैं और बिल्कुल इसको स्वीकारते हैं। देखिए, जो भी हमसे कमियां रही है, जो भी हमने पूरी कोशिश करी, हम बेहतर से बेहतर चुनाव लड़े, हमने जनता के लिए मुद्दों को लेके हम बीच में गए, रोजगार का मुद्दा है, जो भी अनेक मुद्दे हो, पर देखिए वो काम नहीं आए, वो सफल नहीं हो पाए। जिन भी कारण से कमी रही है, जो भी खराबियां रही है, हम उस पर आत्ममंथन करेंगे और हम इस हार को स्वीकारते हैं और अगली बार हम और अच्छे परफॉर्म करेंगे। धन्यवाद। कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के बीच नेताओं से भी ज्यादा चर्चा होती है, कुछ ऐसी चीजें आप लोग देख रहे थे कि हमारा आलाकमान, हमारा नेतृत्व, हमारे प्रदेश के नेता जो जनता की हकीकत है उस रग को नहीं पहचान पा रहे हैं और दूसरी दिशा में जा रहे हैं या फिर वो क्लियर नहीं कर पा रहे। मैं आपके पास आऊंगा उससे पहले, लेकिन आपको एक मैं खुशखबरी जरूर देना चाहूंगा, वायनाड से राहुल गांधी चुनाव जीत गए हैं, ये उनका दो सीट से चुनाव लड़ना था और केरल की वायनाड से चुनाव जीत गए राहुल गांधी, एक कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर कही जा सकती है। हालांकि अमेठी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है वहां पे, जैसे आगे कभी स्मृति आगे, कभी राहुल गांधी, कभी राहुल आगे पीछे, कभी स्मृति आगे, तो इस तरह से कुछ चल रहा है अभी, लेकिन वायनाड से राहुल गांधी चुनाव जीत गए हैं। जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, आपका सवाल जो था ये था कि आपको लीडरशिप की और कार्यकर्ताओं के बीच में कोई गैप दिख रहा है ऐसा कुछ? तो देखिए, अभी हार हुई है और हार का सामना हम कर रहे हैं, तो इसके अनेक कारण हैं। अब देखिए, बैठ के फिगर आउट करेंगे कि कहां हमको बदलाव करने की जरूरत है और कहां हम सबसे ज्यादा मात खा रहे हैं। अभी मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जैसा आप जिसकी तरफ आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, बट देखिए बैठ के आत्ममंथन करेंगे कि क्या कारण रहे। क्योंकि ये मेरा सवाल इस वजह से है आपसे कि
जो स्थिति थी मतदाता की, मतदाता क्या चाह रहे हैं, ये बात तो कही गई कि हमने बहुत मेहनत की, प्रतिपक्ष की भूमिका अदा की, लेकिन प्रतिपक्ष की भूमिका में जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए थे या जनता के सामने जिन चीजों को लेकर आपको जाना चाहिए था, हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस सहित सभी दल जो प्रतिपक्ष के हैं वो फेल रहे इसमें, वो मुद्दे बुना नहीं पाए। देखिए, मुद्दे बुनाना और मुद्दे लेके जाना दोनों में फर्क है। बिल्कुल हम विफल रहे, नतीजा सामने है। देखिए, जनता के सामने कांग्रेस अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने विपक्ष का पूरा अपना अहम जो भूमिका है वो पिछले 5 साल निभाने की पूर्ण कोशिश करी और डट के खड़ी रही। जो विपक्ष की एक भूमिका होती है वो कांग्रेस ही एक पार्टी है जिसने उसमें अहम अपनी योगदान दिया। अब देखिए, बात करते हैं कि क्या जनादेश रहा, क्या मुद्दे थे। मुद्दे तो देखिए जनता के लिए ही थे, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे नारी शक्ति सुरक्षा का मुद्दा हो, और अनेक ऐसे मुद्दे हो जो जनता के बेटरमेंट के लिए ही थे। अब उसको हम भुना नहीं पाए, जनता को वो समझ नहीं आया या हम उसमें सफल नहीं हो पाए, इसीलिए हम आज हार का सामना कर रहे हैं। अब उसके कारण में हम जो है वो आत्मंथन करेंगे, कहां हमसे कमी हुई और गलती हुई। जो एक ग्लैमर कहें कि जनता के बीच अपनी छाप थी उसे बरकरार रखी, लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, विधानसभा में जैसे 90 सीट का खामियाजा था उसे उठाना पड़ा। लेकिन दूसरी बात मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि यह बात कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी ये दोनों मिलकर के कोई बड़ा करिश्मा कर सकते हैं। करिश्मा बहुत बड़ा नहीं कर पाए हो, लेकिन ये बात सत्य है कि बीएसपी जो हादसे पर चली गई थी इसके बाद लोकसभा चुनाव में उसने कुछ हासिल जरूर किया है, तो एक बेनिफिट भी हो रहा है मायावती को वहाँ, समाजवादी पार्टी को। तो ये कि गुलवा साहब ये कुछ कह सकते हैं कि पूरी आंधी के बीच अगर एक चिराग भी बचता है तो मुझे लगता है कि वो उजाला का बचा पा रहे। देखिए योगेंद्र जी, इस बात को लगातार अपन एक ही जगह पे जाएंगे अभी तो, कि चूंकि चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हम लोगों ने यूपी में कुछ हासिल किया, इसमें कोई दोहरा इनियर जनता देख रही है। सवाल है कि राष्ट्र के आगे सब पार्टियां फेल होती है। जब राष्ट्र का मुद्दा जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चलाया और उसका हम जवाब दे नहीं पाए प्रॉपर जनता के बीच में, यही कारण है कि आज जो हमारी जो हम हार रहे हैं उसका मुख्य कारण यही है। और आज इस विषय के सिवा ज्यादा बात करना और भी ठीक नहीं है, और बाकी समय रहेगा कभी फिर बात करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। चलिए मैं वापस वीरेंद्र जी के पास ले जाना चाहूंगा एक बार। वीरेंद्र जी, प्रतिपक्ष का अभी भी यही कहना है कि मुद्दा विहीन चुनाव रहा, मुद्दों को आधार नहीं बनाया गया और एक बेहतर प्रबंधन और एक प्रचार के मास्टर हैं नरेंद्र मोदी, जिसे बुनाने में पूरी तरह से कामयाब हैं। ये मुद्दों की या विकास की विजय नहीं कह सकते हैं, लगातार प्रतिपक्ष के लोग अभी भी इस बात को स्टैंड कर रहे हैं। जी देखिए, उन्होंने हार स्वीकार की है और मुद्दे स्वीकार नहीं कर पा रहे, ये अलग बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि देश की जनता ने मुद्दे भी देखे हैं और जितने भी विषयों के ऊपर चुनाव लड़ा वह भी देखे, चाहे वह राष्ट्रवाद का विषय हो चाहे विकास का विषय हो। जिस प्रकार से 138 लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जन जन के पास गई और भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं नहीं चलाई, उन योजनाओं को धरातल भी उतारा है। जबकि पिछले 50 वर्षों में अगर देखेंगे तो योजनाएं केवल कागजों तक सीमित थी। हमारी जो 138 लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनमें आप देखिए, पहली योजना हमारी जनधन योजना, जिसमें हमने 34 करोड़ लोगों को सीधे बैंक से जोड़ा। इनके अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जो कार्य नहीं कर पाए वह हमारे चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। डायरेक्ट ट्रांजेक्शन बेनिफिट के माध्यम से एक पारदर्शी सरकार हमने दी जिसमें भ्रष्टाचार और घोटाले कहीं नजर नहीं आए। इसके बाद हमने मुद्रा के माध्यम से युवाओं के सपने साकार किए, हमने मेक इन इंडिया के माध्यम से देश को मजबूत बनाया, हमने स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया के माध्यम से नए इंडिया का निर्माण किया, और साथ साथ हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को आवास दिए। आप देखिए देश में किस प्रकार स्वच्छता की बयार चल रही है, एक नया इंडिया लोग देख रहे हैं कि जहां स्वच्छ भारत है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि देश में मोदी सरकार थी। इसके बाद में आप देखेंगे जो नई योजनाएं आए, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे श्रमिकों के लिए योजना हो, चाहे 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण हो,
सभी योजनाओं को अगर आप देखेंगे, धरातल पे जाएंगे, तो आम व्यक्ति ने स्वीकार किया है कि इन योजनाओं के माध्यम से देश में गरीबी दूर हुई है, देश का कल्याण हुआ है और देश विश्व शक्ति बनने की ओर आगे बढ़ा है। मैं समझता हूं ये सभी मुद्दे इन चुनावों में थे। हम जहां भी गए, आप अगर जन जन के पास भी जाएंगे तो वो भी कहेंगे इन चुनावों में विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा था और देश के सामने मुद्दा था राष्ट्रीय सुरक्षा का, सामाजिक सुरक्षा का, जीवन की सुरक्षा का। इन तीनों विषयों में, इन तीनों क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी जी सफल हुए और इसी के कारण आज चारों ओर चाहूं दिशाओं में कमल ही कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आऊंगा नितिन अग्रवाल हमारे साथ में। नितिन, ये कांग्रेस कई बार ये बात को कही, दूसरी पार्टियां भी कही कि सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं है, जहां केंद्र सरकार का दखल है दिल्ली सहित वहां पे पब्लिक सुरक्षित नहीं है। लेकिन अभी वीरेंद्र शर्मा साहब इस बात का दावा कर रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में रहा, इस वजह से लोगों ने भरोसा किया नरेंद्र मोदी पर। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी एनडी को एक भारी बहुमत मिला है, तो वीरेंद्र जी आज कोई भी बात बोलेंगे तो सुनेंगे। पर देखिए, जो भी चुनाव लड़ा गया है, विकास पूरे 5 साल में कहीं नजर नहीं आया। जो भी योजनाएं ये गिना रहे, उनकी सफलता के उदाहरण किसी भी जनसभा और किसी भी चुनाव के टाइम पे दिए नहीं गए। जो चुनाव लड़ा गया वो राष्ट्रवाद पे लड़ा गया, इंडिया पाकिस्तान पे लड़ा गया और लोगों को भ्रमित किया गया है, आप समझिए। तो मैं इस बात से, अब ये स्वीकारेंगे तो है नहीं। देखो, हम हार स्वीकार रहे हैं, बिल्कुल हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पे इनको जवाब नहीं दे पाए और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे इन्होंने चुनाव लड़ा, पूरा चुनाव और जीते हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त बीजेपी ऑफिस में एक बार फिर चलते हैं, हमारे सहयोगी सुदर्शन सिंह वहां पे मौजूद है, जो वहां से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी ऑफिस में, वहां पटाखे फोड़े जा रहे हैं। एक बार मैं वापस ले जाना चाहूंगा वहां पे, वसुंधरा राजे सहित तमाम नेता वहां मौजूद हैं। एक बार फिर बीजेपी ऑफिस की ओर हम चलेंगे, सुदर्शन जहां मौजूद है। देशभर में रुझानों में बीजेपी जो है वो पिछली बार से भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 346 सीटों पर आगे है और अगर राजस्थान की बात करें तो 25 की 25 सीटों पर बीजेपी को मिल रही बढ़त का जो जश्न है वो यहां पर बीजेपी कार्यालय में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर ढोल नगाड़ों का शोर हर तरफ आपको सुनाई देगा। आसमान में आतिशबाजी भले ही दिन का वक्त हो लेकिन यहां पर की जा रही है, लड्डू और मिठाइयों का दौर यहां पर चल रहा है, कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वसुंधरा राजे पूर्व सीएम भी यहां पर पहुंची थी, यहां बीजेपी में इस वक्त मौजूद है। वसुंधरा राजे ने भी मीडिया से बातचीत की और उसने कहा कि इस बार मोदी सुनामी नहीं, मोदी सुनामो आया है, यानी कि नमो सुनामो की उन्होंने बात कही वसुंधरा राजे ने। और उन्होंने यह कहा कि जनता ने जो है वो जो कांग्रेस ने झूठे वादे किए और जो नेगेटिव प्रचार किया उसे यहां पर नकारा गया है और उसी की परिणति यह है कि देश ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी में विश्वास जताया, बीजेपी में विश्वास जताया, राजस्थान की जनता ने भी बीजेपी में विश्वास जताया और यही वजह है कि यहां पर जो है जश्न जोर शोर से मनाया जा रहा है। और एक बार की तो स्थिति ऐसी यहां पर हुई थी जब भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि धक्का मुक्की और रेलम्पेल का भी यहां पर दौर चला था। महेश सिसोदिया के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी जयपुर। तो चलिए, आपने देखा सुदर्शन सिंह इस वक्त मौजूद बीजेपी ऑफिस में, जहां से जानकारी दे रहे थे कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, जोश है और वहां मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी सहित तमाम नेता वहां मौजूद है। देखिए, ये हमारे यहाँ की एक खुशी जब मनाई जाती है तो निश्चित रूप से पार्टी कार्यालय में होता है, एक जश्न का माहौल होता है। यहाँ उमेंद्र धाजी साहब हमारे साथ हैं। उमेंद्र जी, मैं एक बात देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, पिछली बार 2014 में मैं वापस लेके जाऊंगा, मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे और जब राजस्थान के नतीजे आ रहे थे तो बीजेपी ऑफिस से ज्यादा वसुंधरा राजे के निवास पर एक जश्न का माहौल था। कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस में बाद में आ रहे थे, पहले वसुंधरा के यहाँ जा रहे थे। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन अभी मुख्यमंत्री नहीं होने की वजह, मुख्यमंत्री थी तब भी बीजेपी ऑफिस आना पड़ा था, लेकिन अभी जो ग्लैमर आसपास वसुंधरा के होना चाहिए था वो नहीं है। बेशक मुख्यमंत्री ना हो लेकिन 25 सीट दिलाई है अभी, तो यहाँ क्या कहें कि ये 25 सीट अभी वैसे स्थिति वसुंधरा राजे की पूरे इलेक्शन में नहीं रही, क्योंकि मोदी ने खुद ने, अमित शाह ने पूरा कैंपेन से लेके टिकट वितरण तमाम चीजें जो है अपने हाथ में रखी थी,
को बहुत ज्यादा भरोसा है यहाँ की लोकल लीडरशिप पे भी नहीं किया गया, अपने तरीके से चुनाव लड़ा गया ये कहा जा सकता है। योगेंद्र जी कुछ बातें ऐसी है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है, विधानसभा का चुनाव है क्षेत्रीय मुद्दे, और उसमें मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा जी को पहले भी प्रोजेक्ट किया गया था और वो तयशुदा मुख्यमंत्री थे। लेकिन ये जो चुनाव हुआ है ये राष्ट्रवाद का मुद्दा, जैसे कि अभी पहले भी मैंने चर्चा में सुना कि राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा गया। जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें क्या है कि पार्टी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ती है। इस चुनाव में आपने देखा होगा कि मीडिया का मैनेजमेंट संभाला अलग व्यक्तियों ने, स्टेट का मैनेजमेंट संभाला अलग व्यक्तियों ने, हर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अलग अलग काम दिया। अब आप देखिए कि सब कुछ यहाँ जो योजना बनाई वो प्रकाश जावड़ेकर जी ने बनाई, इसके अलावा नीति निर्धारक यहाँ दिल्ली से भी आए, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्रीय चुनाव में यदि हम ये कहें कि इनके आसपास फोकस नहीं रहा, वसुंधरा जी को नेगलेक्ट किया गया, इन बातों को मैं नहीं मानता, क्योंकि वसुंधरा जी का एक अपना अलग प्रभाव है, मदन लाल सैनी जी का अलग प्रभाव है, जावड़ेकर जी का अलग प्रभाव है और ये संयुक्त रूप से लड़ा गया चुनाव है। इस चुनाव में आपने एक बात देखी होगी कि हर सीट पे एक ही प्रत्याशी था, नरेंद्र मोदी, यानी मोदी जी जहां जहां गए उन्होंने कहा कि आपका दिया हुआ वोट सीधा मुझे मिलेगा। यही बात सोच के मतदाताओं ने इस चुनाव में प्रत्याशी कौन है क्या चुनावी घोषणा पत्र है, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रहा, केवल ये रहा कि मैंने जो वोट दिया है वो मोदी जी को दिया है, ये बात सोच के लोगों ने मतदान किया। और उसी का एक नतीजा है कि अब के जो सुनामी जैसा एक माहौल बना है, आप देखिए मैं आपको 1977 जनता पार्टी के शासन में ले चलता हूं, जब यहां जनता पार्टी की देश भर में हवा थी, राजस्थान में 24 सीटें जनता पार्टी ने जीती थी, एक सीट कांग्रेस एस ने जीती थी नाथुराम मिर्धा जी की, लेकिन उसके बाद भी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25-25 सीटें जीती, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी अपनी 25 सीटों को बचाए रखने की और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया, इसलिए उनको मैं भी अपने ओर से बधाई देता हूं। कांग्रेस ने यह चुनाव लड़ा विधानसभा चुनाव से, अभी विधानसभा चुनाव के चुनाव को ज्यादा समय नहीं हुआ है, ऐसा लगता था कि ये राजस्थान में नियम एक परंपरा सी बन गई थी कि जो प्रदेश की सत्ता में होता है वही लोकसभा का चुनाव जीतता है। अब ये कई जगह ऐसे मिथक टूटे हैं, कई जगह नए इतिहास बने हैं। भीलवाड़ा में कहा जाता है कि जो व्यक्ति कभी कोई भी व्यक्ति कंटिन्यू 3 चुनाव नहीं जीता, अब के सुभाष बहेड़िया जी ने कंटिन्यू चुनाव जीत के इस मिथक को भी तोड़ा है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि हम 1952 तक के चुनाव को देखें तो जयपुर में कांग्रेस 3 दफा चुनाव जीती है, एक दफा दौलतमल जी चुनाव जीते, महेश जोशी जी जीते, नवल किशोर जी जीते, कांग्रेस का व्यक्ति वापस यहां से चुनाव नहीं जीत पाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी या स्वतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने रिपीटेशन किया है, वो रिपीट हुए हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि कुछ जगह ऐसी है, कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे जो विचारों के हिसाब से चलते हैं, मैं यही मानता हूं कि कोटा हुआ, जयपुर हुआ, ये वैचारिक क्षेत्र है, इसीलिए मैं एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे जो आपने हमने आंखों से भी देखा है, कांग्रेस से कई बार सवाल भी पूछे गए लेकिन इसको खारिज कर दिया, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे लोकल लीडरशिप हो, ज्योति खंडेलवाल को ऐसे टिकट दिया गया, 48 साल बाद में वैसे समाज के किसी व्यक्ति को टिकट मिला, वैसे समाज का बड़ा एक वोट है, बल्क में वोट है, यहाँ बीजेपी का वोट है, लेकिन उसे तोड़ा जा सकता था। अब ये कहा भी जाता है कि अशोक गहलोत सड़क पे उतर के और पंपलेट भी बांटे, रोड शो किया, वो एक कॉलोनी में एक मोहल्ले में किया उन्होंने। दूसरा, मैं तमाम बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को देखता था, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे महेश जोशी हो, चाहे अर्चना शर्मा हो, कोई भी नेता हो, उस तरह से हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे कि अपने क्षेत्र में जाकर के कमान संभालते हो, क्योंकि कैपिटल का एक बड़ा मैसेज होता था। यहाँ पे शाम को आके रोज सचिन पायलट डेरा डालते थे और अशोक गहलोत भी रोज आते थे लौट करके, कभी इस बात की समीक्षा नहीं की गई जयपुर के हालात क्या है। दिन भर में कांग्रेस के नेताओं को जिनके जिम्मे विधानसभा थी पूरी जी। वो कांग्रेस में जमे देखते थे, क्या पता नहीं कहीं दूसरी जगह प्रचार करते होते थे, तो ये नेताओं का एक नेग्लिजेंस पॉइंट नहीं कहेंगे इसको कि आप जब राजधानी में बैठे हैं और यहां से आपकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, आपका ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया कि जिसमें आपके पास में फीडबैक आ सके चुनाव जीत जाते तो इन कमियों पर कोई चर्चा भी नहीं होती, असफलता के बाद में कई कमियां दिखती है, सफलता के साथ में कई कई विशेषताएं दिखती है, लेकिन
होता है। यहाँ पे कांग्रेस को इसी बात से सबक लेना चाहिए था कि एक फीसदी वोट का भी अंतर नहीं है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में विधानसभा चुनाव में, तो इतना कम अंतर क्यों है। इस पार्टी के लिए सट्टा बाजार एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि 125 से 130-140 तक सीटें आएंगी, 100 सीट पे आकर के तो इस बात की समीक्षा नहीं होनी चाहिए थी। जीत का सेहरा बांध करके खुश होकर नहीं बैठना चाहिए। योगेंद्र जी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से बहुत पहले चर्चा में कहा था कि कांग्रेस ये लड़ाई नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए लड़ेगी, ये आपके चैनल पे सबसे पहले मैंने ये बात कही थी, क्योंकि आज के जो हालात हैं, माहौल है, उसमें लगता है कि केवल एक चेहरा है मोदी, उसके सामने विकल्प के रूप में चाहे महागठबंधन हो चाहे यूपीए, कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं ला पाए। लेकिन फिर भी एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी को ये लोग सामने लेके आए, उम्मीद थी कि यूपी में जादू होगा। अब इसको मैं कह सकता हूं कि असफलता के बाद में कई बातें होती है कि इनके पास जो एक ब्रह्म मिसाइल थी वो भी इन्होंने छोड़ी चुनाव में, वो भी कितनी सफल हुई, वोटों परसेंटेज में हुई है क्या हुई, ये चीज अभी समीक्षा की बातें हैं। अभी तो क्या है कि ये विजयी लोग जो लोग चुनाव जीते हैं वो जश्न के माहौल है माहौल में, और जो चुनाव हारे हैं वो भी चिंता के और समीक्षा के माहौल में है। इसमें कोई डाउट नहीं है, जश्न मनाना चाहिए और चिंता अगर सही है तो आज के लिए बिल्कुल उसको छोड़ना चाहिए और आगे लेकिन इस बात को सबक लेना चाहिए। यहाँ एक बड़ा घटनाक्रम मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, प्रियंका गांधी 2 घंटे पहले राहुल गांधी के निवास पे जाकर के उनसे मुलाकात की थी, लेकिन अब राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात करने गए हैं और उनके बीच बैठक जारी है। शाम को दोपहर बाद 4 बजे वो मीडिया से मुखातिब होंगे और 6 बजे शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे। तब तक मुझे लगता है कि सारे परिणाम सामने आएंगे, तस्वीर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिकृत रूप से रिजल्ट आने बाकी है, नरेंद्र मोदी का जादू चला है इसमें कोई शक नहीं है। यह इस वजह से कहा जा सकता है कि पूरी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती है, ये बात ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने इस बार पार्टी कौन थी, मोदी ने सिर्फ खुद के लिए वोट मांगे और खुद ही सामने सफल होने वाला है, ये बात कही जा सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए जैसा मैंने भी आपको कहा कि जहां भी मोदी जी रहे अब के उन्होंने कोई प्रत्याशियों की बात नहीं की, उन्होंने जनता से एक ही बात कही कि आपका दिया हुआ वोट सीधा मुझे मिलेगा। मैं कई लोकसभा क्षेत्रों में गया, मैंने मतदाताओं से सीधी सीधी बात की, उनसे जानना चाहा कि आपका प्रत्याशी कौन है, क्या मुद्दे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कोई प्रत्याशी नहीं, हम तो अपना वोट मोदी को देंगे। उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि कौन सी पार्टी है, उनके कौन प्रत्याशी है, क्या है, बस उनको एक ही मालूम था कि प्रत्याशी मोदी, चुनाव चिन्ह कमल, इस बात को लेकर मतदाताओं का मन बन गया था। इसके अलावा साथ साथ में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी बात है कि चंद्रबाबू नायडू इन चुनाव में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरने की कोशिश की। चुनाव के बाद जैसे कि अभी मैं देख रहा हूं चैनल पे इस पे चर्चा है कि शाम को शायद इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं राज्यपाल से मिलकर, ये एक बड़ी बात है क्योंकि आज के समय में ये लगता है कि जितने महागठबंधन या क्षेत्रीय दल है उनके सामने चिंता का विषय खड़ा हो गया है। देश की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार चाहती है, खिचड़ी सरकारों का इन्होंने अनुभव दे दिया वो उचित नहीं है, अब देश की जनता को खिचड़ी सरकारें नहीं चाहिए, उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। शायद ये बात सोच उन्होंने मोदी जी के प्रति विश्वास बताया है क्योंकि उन्हें खिचड़ी सरकार का स्वरूप कोई कैसा नजर नहीं आया, इसका कौन नेता बनेगा, कौन मोदी जी का विकल्प है, इसलिए उन्होंने देखा है कि एक मौका। यहाँ एक बड़ी जानकारी यह है कि वैसे तो 25 सीट पे एनडीए राजस्थान में आगे चल रहा था जिसमें से कुछ सीटों के परिणाम भी सामने आ गए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के जीतने के बाद जो होट सीट 4 बनी हुई थी जिसपे खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह नजरे गड़ाए हुए थे, केंद्र सरकार के 4 मंत्री चुनाव जीतते हैं, उनके परिणाम सामने आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर बड़ा गैप कहा जा सकता है कि कोई भी मंत्री 1.5 लाख से कम वोटों से चुनाव नहीं जीता है, गजेंद्र सिंह शेखावत का भी अंतर काफी बड़ा अंतर कहा जा सकता है। तो ये कुछ तस्वीर जो सामने आ रही है ये कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली नहीं है, जो जिस तरह से देश की स्थिति बनी हुई है और देश में जो तस्वीर बन रही है वहां से राजस्थान मुझे नहीं लगता है कि ये वोट प्रतिशत और अंतर है वो कोई चौंकाने वाला होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि करंट पूरी तरह से फैला हुआ था। इसे हम ये कह सकते हैं कि मतदाता आपके शांत था लेकिन उसने मन बना लिया था कि हमें वोट किसको देना है, और जब मतदाता शांत होता है तो चौंकाने वाले नतीजे देता है। अभी देखिए कि कारगिल की लड़ाई हुई, लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी, कई सर्वे आए, उन्होंने मान भी लिया था कि अटल जी पुनः रिपीट होंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन देश की जनता उस समय मुखर थी, खुल के थी,
इस चुनाव में आपने देखा होगा कि बिल्कुल शांत वातावरण था, मुद्दा विहीन चुनाव था, न इसमें कोई इसमें चुनावी घोषणा पत्र की बात थी, न संकल्प पत्र की बात थी, मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया न उसकी बात थी, क्यों नहीं था कि भाई राष्ट्रवाद का चुनाव। और ये राष्ट्रवाद का चुनाव मैं मानता हूं कि सभी मुद्दों पर भारी पड़ा और इसको हालांकि इन्होंने विफल, प्रतिपक्ष के लोगों ने इसको विफल करने की कोशिश की, होना भी चाहिए क्योंकि प्रतिपक्ष का काम है कि जो मुद्दे हैं उनका जवाब देना, वो इनका जवाब केवल एक राफेल के माध्यम से देने की कोशिश की। और मैं मानता हूं कि दो मुद्दे हैं जो जनता के सामने लेके आए, एक तो चौकीदार चोर है, एक राफेल का। अब मैं इन चुनाव के नतीजों से ये कहा जा सकता है कि दोनों ही मुद्दों को जनता ने नकारा बना दिया है, दोनों ही मुद्दों को जनता ने स्वीकार नहीं किया है। अब ये बात यह है कि मैं कह सकता हूं कि चौकीदार चोर नहीं, जनता ने उसकी निर्णय पे सहमति लगा दी है। ये मैं जवाब लूंगा एक बार नितिन अग्रवाल से। नितिन, ये मैं जानना चाहूंगा, पूरा इलेक्शन कैंपेन में चौकीदार चोर है, राफेल में जवाब देना चाहिए, ये स्टैंड करता रहा, लेकिन अभी क्या लगता है कि जब जनता ने चौकीदार पे ठप्पा लगा दिया है तो क्या अभी भी चौकीदार चोर है? देखिए, जनता चौकीदार को चोर बताने वाली भी जनता, ठप्पा लगाने वाली भी जनता। अब ये आगे भी देखिए क्या रहेगा इसमें परिणाम, बाकी इस पे आगे कुछ मेरे को नजर नहीं आता है क्योंकि जनता का मन पूरी तरीके से साफ दिख गया नतीजों से, तो बोलना आगे कुछ बनता ही नहीं है। नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अक्सर ये कहा जाता है कि आज एक 2G स्पेक्ट्रम में कोर्ट से क्लीन चिट मिली, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अभी भी उसका जिक्र करती है, तो ये क्या वास्तव में एक बार जनता का जनादेश मिलने के बाद में जनता की अदालत में अगर कोई जाता है उसके बाद उस मुद्दे को बंद कर देना चाहिए? देखिए, मुद्दे को बंद करने लायक कोई बात नहीं है, मुद्दा तो है ही, घोटाला हुआ है तो वो तो आगे चलेगा। अगर हार हो गई है तो हम उसको उठाना नहीं छोड़ देंगे, हम प्रयत्न करना नहीं छोड़ देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, उठेंगे, गिरे हैं फिर उठेंगे, फिर प्रयास करेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। चलिए, मैं वापस एक बार रुद्रेंद्र शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। मुद्दा अभी भी स्टैंड करता है, जनता का जनादेश है, वो लगातार कांग्रेस ये बात भी कह रही है कि झूठ और गुमराह करने वाला चुनाव है, जनता को गुमराह किया गया है, जिसमें बीजेपी सफल रही है, ये जीत संख्या बल के आधार पर इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन सहारा क्या लिया गया ये किसी से छिपा नहीं है। लगातार पैनल में जो लोग कांग्रेस के आ रहे हैं अभी इस बात को कह रहे हैं, और जब भी नितिन कह रहे हैं कि आज भी मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि राफेल में बिल्कुल चोरी हुई है, उस मुद्दे से बीजेपी बच नहीं सकती। देखिए, कुछ इसी प्रकार के नकारात्मक चुनाव प्रचार के कारण कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई है। कांग्रेस को स्वीकार भी करना चाहिए कि उनका जो प्रचार अभियान रहा वो पूर्ण रूप से नकारात्मक था, जिसको जनता ने नकार दिया। दूसरा विषय मैं कहना चाहूंगा, ये बोल रहे हैं झूठे वादे, तो इनकी जो झूठ और फरेब थे वो पूरी जनता ने देखे हैं। जिस प्रकार इन्होंने विधानसभा चुनाव में किसानों के कर्ज माफी की बात कही, इन्होंने युवाओं के लिए बेरोजगार भत्ते की बात कही, इन्होंने अपराध मुक्त राजस्थान की बात कही, लेकिन इन 5 महीनों में जिस प्रकार राजस्थान में अपराध का ग्राफ बढ़ा, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, आपने देखा होगा 2-3 दिन पूर्व ये किसान ने आत्महत्या कर ली कलेक्टर के अंदर, तो किस प्रकार की कर्ज माफी की है 10 दिन के अंदर वह भी राज्य ने देखा है। और युवाओं के साथ इन्होंने जो छलावा किया, तो जितने भी नए युवा वोटर्स थे राजस्थान के, 55 लाख युवा वोटर्स थे, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। और इनके मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया, इनकी बौखलाहट देखिए, इनके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि देश के युवा, देश का युवा मोदी मोदी कर रहा है, यह देश के लिए सही नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और मेरे मित्र भी बैठे हुए हैं, कि अगर युवा के दिल के अंदर भावनाएं हैं कि इस देश को कोई मजबूत दे सकता है, उनके सपनों को कोई साकार कर सकता है, तो वह नरेंद्र मोदी हैं। क्या वह अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते? तो इस प्रकार के जो शब्द थे वो माने मुख्यमंत्री जी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के हों, या चाहे इनके दूसरे नेताओं के हों, उनके सामने एक बौखलाहट थी, उनको अपनी हार सामने दिख रही थी, इस कारण उनके इस प्रकार के शब्द थे जो जनता ने अस्वीकार कर दिए हैं। और जिस प्रकार से जितने भी चरण के मतदान हुए हैं, जनता में जो उत्साह था, जो उमंग थी, वह एक मजबूत सरकार के लिए थी, एक राष्ट्रवादी सरकार के लिए थी। और मैं कहना चाहूंगा पुनः आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रवाद एक प्रेरणा है। भारतीय जनता पार्टी देश को परम वैभव पे ले जाने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी, और ये भारतीय जनता पार्टी कि जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वह आम जन के लिए समर्पित रही है। उसी का परिणाम आज आम जनता ने सभी सीटों पर, करीब करीब सभी सीटों पर कमल खिलाकर जनता के देश के सामने रखा। चलिए, मैं वापस एक बार नितिन आपके पास में आना चाहूंगा। जो कुछ सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता के सामने नेगेटिविटी इस तरह से परोसी गई, इसे खारिज किया एक तरह से,
देखिए नेगेटिविटी की कहीं बात नहीं है, लोकतंत्र है, सबको अपने भाव प्रकट करने का पूरा हक है, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे मेरे कोई भी साथी हो, सबको अपने भाव प्रकट करने का पूरा हक है क्योंकि लोकतंत्र है। देखिए सही इसीलिए नहीं है क्योंकि सभी युवाओं को भ्रमित किया गया है। रोजगार कहाँ थे, 2 करोड़ रोजगार पे हमने लड़ा मुद्दा कि हम रोजगार देंगे, ठीक है, इन्होंने रोजगार नहीं दिए, विफल रहे। बट इनका जो राष्ट्रवाद के मुद्दे थे, जो हिंदू मुसलमान के, इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे थे, वो भारी रहे। रोजगार आज युवाओं के लिए रोजगार जरूरी नहीं है, आज युवाओं के लिए राष्ट्रवाद जरूरी हो गया है। राम मंदिर करते राम मंदिर बना नहीं, बट इस तरीके से इन्होंने उसको भुनाया, इस तरीके से उसको भ्रमित करा कि आज इनके सामने नतीजे है, इनके पक्ष में नतीजे, हम स्वीकार कर रहे हैं उस चीज को। और हम कतई मना नहीं कर रहे कि किसी को भाव प्रकट करने का हक नहीं है, सबको भाव प्रकट करने का हक है। और हमसे कुछ गलतियां हुई है पिछले 4 से 5 महीने का जो हमारा राजस्थान में कार्यकाल रहा है, हम उस तरीके से डिलीवरी नहीं कर पाए जिस तरीके से हमें करनी थी, तो उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे हम उसको कैसे सही करके और कैसे उसको फ्लोर पे लाके हम आगे सरकार चलाएंगे। देखिए योगेंद्र जी एक विषय है जो हमें केवल कांग्रेस को नहीं, हमें भी भारतीय जनता पार्टी को भी और हमारी जितने भी देश की जनता, उन सबको स्वीकार करना चाहिए कि जिस प्रकार से विश्व आगे बढ़ रहा है, वहां आज का युवा नौकरी नहीं चाहता, आज का युवा नौकरी देने वाला बनना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी ने युवा को मुद्रा लोन के माध्यम से नौकरी देने वाला बनाया है, चाहे हमारी स्टैंड अप इंडिया की योजना रही हो, चाहे हमारा स्टार्टअप इंडिया रहा हो, चाहे हमारा मेक इन इंडिया रहा हो, हमने जिस न्यू इंडिया का निर्माण किया है, उस न्यू इंडिया में हमारा युवा नौकरी देने वाला बना है। जो हमारे साथी बैठे हैं अभी कुछ देर पहले, उन्होंने एक बात दोहराई थी कि जो चुनाव रहा मुद्दा विहीन रहा, ना घोषणा पत्र था, ना संकल्प पत्र था, किसी मुद्दे पे बातें हो रही थी, शहीद प्रधानमंत्री पे बात हो रही थी। तो देखिए उनको जिस तरीके से जो तुष्टीकरण हो गया, जो आप कहेंगे पोलराइजेशन, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल रही, उसके लिए हम उनको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि आप सरकार चलाएंगे और जनता ने फिर आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो उम्मीद है कि आप और अच्छे सरकार चलाएंगे, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाएगी और एक अच्छा कार्य करेगी। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि एक रत्नात्मक विपक्ष के साथ आज आप हमारे साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं चलिए उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ तो बहुत सारे मुद्दे हुए कि किस तरह का चुनाव प्रचार रहा, मुद्दे कौन रहे, कुछ चर्चाएं भी हुई है इनके, लेकिन यहाँ एक सवाल मेरा ये है कि पूरे इलेक्शन कैंपेन और उससे पहले 5 साल में मोदी सरकार से जब किसी बात से जवाब मांगा जाता था, चाहे लोकसभा हो, चाहे सड़क हो, चाहे मीडिया से, तो खैर पहली बार 5 साल में मोदी साहब मुखातिब हुए थे जिसमें सब बैठे थे, अपनी बात से उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया उन्होंने। यार एक मैं जानकारी आपसे ये चाहूंगा कि क्या अभी भी जैसे सवाल का जवाब यह होता था कि 60 साल में क्या स्थिति देश को किस गर्त में लेकर के चले गए, आपको 5 साल में हिसाब चाहिए, एक कार्यकाल और होना चाहिए, क्या अभी भी मोदी सरकार या बीजेपी इस कहने की स्थिति में रहेगी कि हाँ बिल्कुल अभी तो हम गड्ढे ही भर रहे हैं? देखिए अब देश की जनता ने उनको पुनः जो सत्ता सौंपी है वो किसी विश्वास को लेकर सौंपी है। जनता चाहती है कि काम की क्रियान्विति हो, और मुझे उम्मीद है कि 5 साल में उन्होंने भी एनालिसिस किया होगा कि उनसे क्या क्या कमियां हुई, क्या उनको करना चाहिए था। अब ये जो 60 महीने का जो नया शासन इनको मिलेगा, इसमें इनको ये गड्ढे भरने वाली बातें नहीं, अब तो इनको जनता के सामने नए प्रयोग करके दिखाने होंगे, क्योंकि अब जनता नहीं चाहती कि हम पहली बार बनाऊं, ये किया हूं, वो चीज़। महेंद्र जी प्रयोग में डिलीवरी करनी होगी, प्रयोग हो गए, बिल्कुल है। जो 5 साल का समय था पिछला, हम ये कह सकते हैं इनके लिए प्रयोग का समय था, इनको कुछ सीखने का मौका था। जो व्यक्ति कभी संसद नहीं देखी वो संसद में गया और सीधा पीएम बन गया, ये मान सकते हैं उसमें विफलताएं हो सकती है, लेकिन हम ये हम कह सकते हैं पूर्ण परिपक्व पीएम है जिसने सत्ता भी देखी है, जिसने पीएम का पद पहले संभाला भी है और जो 3 दफा मुख्यमंत्री भी बनाए, इसलिए देश की जनता को उनकी से ज्यादा उम्मीदें हो गई है। और मुझे विश्वास है कि वे उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, क्योंकि अभी उन्हें उनको शपथ लेनी है। अमित शाह जी नए नए मुहूर्त निकलवा रहे हैं, कौन सा मुहूर्त उनके लिए शुभ है, कब निकलाना है, यानी अभी जो बात है उम्मीदों से भरी हुई बातें हैं। और लगता है कि एक अनुभव व्यक्ति को सिखाता है। अशोक गहलोत जी राजस्थान के बड़े लोकप्रिय नेता हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हर गलती एक सजा मांगती है। गलती बहुत उनका एक सिद्धांत, बहुत ही अच्छा सिद्धांत है जिसको मैं भी मानता हूं। अब उनके सामने यानी इतनी बड़ी गलती हो गई कि 25 सीटें हाथ से निकल गई
और वो क्या सजा देंगे, संगठन का कैसे स्वरूप बनाएंगे, आगे सत्ता और संगठन में क्या सामंजस्य बैठाएंगे, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि सत्ता और संगठन में सामंजस्य बैठाना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, चाहे वो मुख्यमंत्री बीजेपी का हो चाहे मुख्यमंत्री कांग्रेस का हो। जब सत्ता और संगठन में टकराव होता है तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होते। जब भाजपा में सत्ता और संगठन में टकराव हुआ तो नतीजे अच्छे नहीं हुए, और कांग्रेस में भी कभी कभी ये दिखता है कि सत्ता और संगठन में संघर्ष की स्थिति है, तो वो इनको सुधारना होगा। अब जनता के सामने ये है कि नया कौन पीसीसी का अध्यक्ष बनेगा क्या, ये इनका एक अलग विषय है, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, हमें बोलने का हक भी नहीं है। लेकिन चुनाव के नतीजे कई समीक्षाएं देते हैं, कई समीक्षाएं होती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने अब नई चुनौती है अच्छा प्रशासन देना, राम राज सुराज स्वराज की स्थापना करना। इसके साथ साथ में आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव, आने वाले पंचायत राज के चुनाव, इनमें उन्हें अपनी परीक्षा देना। अब बात ही चलती है कई दफे राजनीतिक क्षेत्र में कि अमुक प्रदेश में सत्ता चली जाएगी, ऐसे विधायकों भी किया जाएगा, सत्ता का बदल जाएगी, ये राजनीतिक कयास है और ये सब चीजें अभी आज का विषय भी नहीं है। लेकिन मैं ये बात मानता हूं और जान ये कि राजस्थान में अब दो दलों की सरकार हो गई है, कि यानी 25 तो सांसद भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस की सरकार, जनता को ज्यादा उम्मीद होगी। अब जनता को कांग्रेस से भी उम्मीद है और जनता को भाजपा से भी उम्मीद है। जो इन उम्मीदों में खरा होगा, जो सफल होगा, उसे स्थानीय निकाय चुनाव में भी सफलता मिलेगी, पंचायत राज के चुनाव में भी सफलता। एक बात जानना चाहूंगा आपसे मैं, स्थानीय निकाय और दूसरे जो चुनाव है वो मुझे लगता है कि विधानसभा लोकसभा से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। स्थानीय क्योंकि स्थानीय निकाय के जो चुनाव है या पंचायत के चुनाव है, अक्सर ये कहा जाता है राजनीतिक दलों की ओर से कि ये मुद्दे डिफरेंट है, जिसको सरकार केंद्र में हो चाहे राजस्थान राज्य में किसी में भी उसके साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कुल देश उस देश के लिए हम चर्चाओं का एक बिंदु बना सकते हैं कि सरकार आए थे जिनमें से उसके बावजूद भी स्थानीय निकायों में पिछड़ गई है, होता भी ऐसे बहुत सारी जगह पे, लेकिन क्या वास्तव में परिणाम और सरकार की परफॉर्मेंस को उस तरह से योगेंद्र जी बिल्कुल थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि अब जो चुनाव होंगे स्थानीय निकाय के, वो पार्षद उसमें महापौर या सभापति नहीं चुनेगा, अब जनता सीधा महापौर सभापति का चयन करेगी, इसलिए इन चुनावों पे सरकार के कामकाज की छाया अवश्य नजर आएगी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नहीं स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, इसलिए ये नहीं होता है। स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, नाली और गली की समस्या भी होती है, लेकिन सरकार के कामकाज की भी छाया इसमें होती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल ये कि स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। स्थानीय मुद्दे भी हावी होते हैं, सरकार के कामकाज की भी समीक्षा होती है। अब साथ में ये सबसे बड़ा ये बात यह है कि सांसदों के सामने वो ये कह सकते हैं कि साहब राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है, स्थानीय समस्याओं को हम हल नहीं कर सकते, लेकिन सांसद निधि के माध्यम से उनको काम करने का मौका मिलेगा और सांसद निधि के माध्यम से छोटे छोटे विकास के काम करवा सकते हैं, जनता इन चीजों को देखेगी। आपको ध्यान होगा योगेंद्र जी, पिछली बार कुछ सभी सांसदों को यह एक लक्ष्य दिया गया था कि गांव को गोद लेने का, क्योंकि आपके इन चुनाव में कोई मुद्दा था ही नहीं, तो यह भी एक मुद्दा था कि किस सांसद ने कौन सा गांव गोद लिया, क्या विकास के काम किए। लेकिन अब क्या है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे के आगे सब मुद्दे गौण हो गए। अब सांसदों को वापस ही देखना होगा कि कौन सांसद कितनी अच्छी संसद में परफॉर्मेंस दे पाता है, कितने बढ़िया प्रश्न उठाता है, कितने बढ़िया वो गांव को गोद लेकर उनके विकास की बात लाता है, केंद्र की योजनाओं को कितना क्रियान्वित किया होगी। या मैं एक बात में जरूर, ये बात सही है कि आपने याद दिलाया है पब्लिक को भी, सांसदों ने जो गांव गोद लिए ये सरकार की, केंद्र सरकार और बीजेपी की एक योजना थी कि हम इससे विधायकों तक लेकर के जाएंगे, लेकिन पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि इसका चित्र नहीं हुआ। कारण साफ है कि स्थिति इस योजना की, योजना क्या एक पहल थी नरेंद्र मोदी की समझे या बीजेपी की, कि सांसदों का एटलीस्ट एक मॉडल विलेज तो बनाना चाहिए जहां से कहा जा सकता है कि देखिए मैंने इस गांव को गोद लिया था और कहां से कहां पहुंच गया, होना चाहिए मैं तो अच्छी बात मानता हूं, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। मॉनिटरिंग के अभाव में हुआ ये कि कोई भी सांसद अभी ताल ठोक के नहीं कह सकता कि मैंने इस गांव को गोद लिया था और उसकी स्थिति मैंने बदल दी। देखिए कई जो सांसद है राजस्थान से, राज्यसभा के सदस्य, वो केंद्र में मंत्री भी थे, उन्हें उस समय गांव गोद लिए बड़ा ढिंढोरा भी हुआ, अखबारों में भी छपा, लेकिन बाद में वो खुद ही उन गांव में नहीं जा पाए। उनका जो जनप्रतिनिधि है वो जाना चाहिए, गांव के लोगों से सीधा सीधा संवाद होना चाहिए। आजकल इतनी तकनीक है कि मैं गांव में बैठे हुए व्यक्ति सीधा संवाद कर सकता हूं कि आपके पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, ये सब होनी चाहिए। बिजली पानी सड़क की समस्याओं के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा होता है चिकित्सा का।
सांसद निधि के माध्यम से पहला काम चिकित्सा का होना चाहिए। मैंने ये देखा है, मुझे भी कई सांसदों को बहुत निकट से देखने का अवसर मिला है, मैं भले ही उनके निकट नहीं रहा लेकिन मैंने उनको निकट से देखा है। कई सांसदों ने केवल अपना जो एमपीलैंड का पैसा है, हर वर्ष उन्होंने योजना बना ली कि इस वर्ष का पैसा मैं, इस साल का पैसा मैं चिकित्सा के क्षेत्र में दूंगा, इस साल का पैसा मैं पानी के लिए दूंगा, इस साल का पैसा मैं अन्य बिजली के लिए दूंगा। यानी सांसदों को हर साल अपने जनता के सामने बताना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, और जनता को भी हक है कि अपने सांसद से पूछे कि आपने क्या किया, आपने क्या दायित्व निभाया। केवल संसद में जाके प्रश्न पूछना ही केवल औपचारिकता नहीं हो जाती। मैं एक बात जानना चाहूंगा, यहाँ पे आप एक जर्नलिस्ट हैं, ये परंपरा आपको कहीं दिखाई देती है कि जनता सवाल पूछे? इतना वक्त जनता के पास में है कि आप अपने सांसद विधायक से पूछ सके कि आप हैं कहाँ, आप आते हैं लेकिन ये हालात हैं, वोट आपको इस आधार पे नहीं दिए गए थे। ये बहुत अच्छी बात है, सवाल पूछा जाना चाहिए, और मुझे लगता भी नहीं है कि इस बात पे कुछ सांसद जवाब भी देना चाहते होंगे। देखिए योगेंद्र जी, लोकसभा का क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि कोई भी सांसद चाहे किसी भी दल का हो पूरे क्षेत्र में नहीं जा पाता, और वो अपने मतदाताओं से उसका सीधा सीधा संवाद भी बहुत कम हो पाता है। लेकिन उसके बाद भी वो सांसद अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से इन योजनाओं को क्रियान्वित कर सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले कोई भी काम संगठन की सिफारिश पे होते थे तो उनकी क्रियान्विति होती थी। यानी कोई भी सांसद या मंत्री वो ये कहता था कि आप अपने ब्लॉक प्रमुख से लिखा लाइए, आपके मंडल अध्यक्ष से लिखा लाइए, आपके जिला अध्यक्ष से लिखा लाइए, उसकी सिफारिश पे काम होता था। वो एक हिसाब से बहुत अच्छा काम था, उससे क्या कि सीधी सीधी जिम्मेवारी उस संगठन के पदाधिकारी की भी हो जाती थी, वो सीधा सीधा जनता से जुड़ा होता था। क्योंकि यदि हम संगठन को इसमें नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो कोई भी योजना क्रियान्वित नहीं हो सकती। अब क्या है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें अलग अलग धाराएं हो गई कि जो भी सांसद बनेगा या जो भी विधायक बनेगा वो ये चाहेगा कि संगठन पे उसका कब्जा हो। संगठन पे कब्जा करने की जो नीति चली है इससे क्या है कि विकास की धारणा बिल्कुल समाप्त हो गई। चलिए एक मैं बड़े आप सभी लोगों से एक मैं रिएक्शन जानना चाहूंगा कि ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूं कि बीजेपी अपने दम पर 301 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, 350 पर इस वक्त 350 भी क्रॉस कर चुकी है एनडीए, बहुत बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है इसे। तो ये मुझे लगता है कि तो सुनामी से कम, इसे पॉलिटिकल सुनामी कही जा सकती है, उससे कम नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में तमाम दावे, क्योंकि एक जनता का मानस जो है वही ये लहर दे सकता है, और जब तक मानस नहीं बनता है जब तक ऐसे परिणाम नहीं आते हैं। यानी कि प्रतिपक्ष अपनी ओर से कितनी कोशिश करे लेकिन जनता के जेहन में मोदी और अमित शाह की जोड़ी यह बैठा चुकी थी कि देश में राष्ट्रवाद का दूसरा नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी है, और देश अगर सुरक्षित हाथों में है तो ये देश बचा रहेगा। पाकिस्तान अटैक कर सकता है, चीन अटैक कर सकता है, जो भी अपने अल्फाज में कहा गया। प्रतिपक्ष के नेताओं को महज अगर वो नरेंद्र मोदी का विरोध करते थे तो उन्हें पाकिस्तान के साथ खड़ा करके और कुछ बात को कही जाती थी। तो ये बात पब्लिक में बैठती नजर आ रही है, ये कहा जा सकता है इसको? बिल्कुल ये बात सही है आपकी योगेंद्र जी। जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का जनमत मिला है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने वो समय भी देखा है जब भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 सांसद होते थे, यानी भारतीय जनता पार्टी को एक मजाकिया पार्टी के रूप में लिया जाता था कि 2 सांसद हैं। मुझे आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो शब्द याद आते हैं जब उन्होंने कहा था कि आज आप लोग हम पे हंस रहे हैं, एक दिन जमाना आप पे हंसेगा जब देश में हमारा शासन होगा, राज्य में हमारा शासन होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात उस समय क्या परिप्रेक्ष्य में कही, क्या सोच के कही, या आज के समय में बिल्कुल ही नीतिगत सा लगता है मुझे कि उस समय उन्होंने कह दिया था कि एक दिन देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। अटल बिहारी वाजपेयी लोकप्रिय नेता थे, विपक्ष भी उनका पूरा मान सम्मान देने में उनको कोई कमी नहीं छोड़ता था, लेकिन उनके समय में भी इतना बड़ा जनमत कभी नहीं मिल पाया। हालांकि ठीक है, देश में पहली जनसंघ या संघ के विचारों की सरकार लाने का योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार इतना बड़ा जनमत उन्होंने नहीं ला पाए। कारण यह हो सकता है कि आज की जो व्यवस्था है, आज का जो मैनेजमेंट है, उसकी नबज मोदी जी ने, अमित शाह ने पकड़ ली, उसी वजह से वो जनमत को वोटों में बदल पाए, जनता की भावनाओं को वोटों में बदल पाए, जो एक किसी भी राजनीतिक दल का काम होता है वो उन्होंने किया। कांग्रेस भले इस मामले को लेके कहे कि इन्होंने राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाया,
राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाना चाहिए। कांग्रेस भी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, और कांग्रेस यदि कहे कि राष्ट्रवाद का मुद्दा भाजपा ने बना लिया, तो भाई राजनीति में तो मुद्दे बनाना और मुद्दों का जवाब देना हर राजनीतिक दल का काम होता है। आपको भी कोई ऐसी बात कहनी चाहिए थी, आपको भी ऐसा मुद्दा लाना चाहिए था जिससे देश की जनता राष्ट्रवाद के साथ में जुड़े। आपने सबसे बड़ी बात यह कही कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर आपने प्रश्न लगाना शुरू किया, यही से आपके मैं मानता हूं कि आपके प्रति लोगों में विश्वास कम हुआ। जो भी निर्णय है आपने इसमें कह दिया कि नहीं सरकार का काम थोड़ी है, सेना का काम है। बिल्कुल सेना का काम है, सेना ने ही किया है, कोई पीएम नहीं करने गया, लेकिन उस समय जो नेतृत्व होता है उसको भी सलाम की जाती है। जब बांग्लादेश अलग बांग्लादेश का जो ये बना तब ये देखा जाएगा कि उस समय भी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ होगा। देखिए यहाँ ये जो जो आपको ये आंकड़े सामने दिखाई दे रहे हैं, जो एक चीजें सामने आ रही हैं निकल करके, ये आंकड़े तमाम इस ओर हमारे को लेकर के जा रहे हैं कि फरवरी में पुलवामा अटैक और अटैक के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है उसके बीच की जो कड़ी थी वो तमाम योजनाएं सारी एक्सरसाइज उनको सबको पीछे छोड़ते हुए मुझे लगता है कि जो स्थिति सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तमाम चैनल दिखा रहे हैं, वो ये दो महीने का बीजेपी का एक एक्सरसाइज कही जा सकती है, जिसकी वजह से आप जैसे कह रहे हैं कि सवाल उठाया प्रतिपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक पे, उसे राष्ट्रवाद में तब्दील किया और प्रतिपक्ष को बिल्कुल इस कड़ी में ले जाकर के खड़ा कर दिया कि प्रतिपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोलता है। जो युवा वोटर है उसने अप्रिशिएट भी किया, और यूथ वो है कि जो बिल्कुल चेंज कर सकता है।